नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। और कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों देखिए, अभी ना सुबह के टाइम है और आज आप देख सकते हैं सिद्धार्थ को। और यहाँ पर मेरे माँ अभी अभी आई है मेरे घर, और फर्स्ट टाइम मेरे माँ मेरे घर पर आई है। और जैसे कि मेरा वीडियो तो मैं थोड़ा ही शूट की थी, और देखिए जैसे आई और उसने रात रुकी थी, शाम को आई थी और रात रुकी थी, और सुबह फिर चली जाती है, मतलब ज़्यादा रुकती नहीं है। तो देखिए हम लोग, मतलब माँ भी कुछ काम के लिए आई थी। और यहाँ पर देखिए जैसे कि अभी मकर संक्रांति पार हो ही गया, और मकर संक्रांति सबसे ज़्यादा लड्डू वगैरह जो है, मुरमुरे के चूड़ा के जो लड्डू होता है, तिल का लड्डू, ये सब चलता है। तो यहीं मुझे नहीं आता है अच्छे से बनाना, मुझे नहीं आता है मतलब। तो फिर माँ आई थी तो माँ को मैंने कहा कि मुझे बना दो, क्योंकि मकर संक्रांति के टाइम खरीद कर लाए थे, तो फिर उतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं माँ जो बनाती है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो पहले तो चूड़ा का लड्डू जो होता है वो बना दिए थे, उसके बाद फिर मुड़ी मुड़मुड़ी के जब देख सकते हैं तो इसका लड्डू बना दे रही है। और माँ बहुत अच्छे से बनाती है, और एक बार में भी बन भी जाता है। और जिनको जैसे कि मुझे उतना अच्छे से नहीं आता है, तो फिर मुझे डर लगता है एक बार में बनेगा या तो फिर टूट जाएगा। तो होता है जो अच्छे से नहीं जानते, लेकिन माँ अच्छे से जानती है बनाने, तो फिर माँ का लड्डू जो है नहीं टूटता है। और देखिए यहाँ पर सिद्धार्थ कितना मजा से अपने नानी, मतलब जैसे मेरे माँ आई है तो सिद्धार्थ इतना ज़्यादा खुश, उसको लग ही नहीं रहा है कि मेरे नानी मेरे पास आई है। और कितना ज़्यादा खुश हो कि वो लड्डू खा रहे हैं, आप लोग अपने आंखों से देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा खुश है। जब तक माँ रही थी ये बहुत खुश था, उसके बाद ये लड्डू उठा के खाने, मतलब खाता तो है नहीं, बस वो मजा ले रहा है, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये सब देख के। और यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा उसका वीडियो भी शूट कर देती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है ये सब जब मतलब होता है। और बहुत तरह का लड्डू माँ ने मेरे बना दी थी, और जैसे कि नहीं रुकेंगे, क्योंकि माँ अकेले आई है, ट्रेन से आई थी तो मतलब मेरे घर आई और फिर रहेंगे भी नहीं, कुछ काम के लिए आए हैं, तो आपको पता चल जाएगा। तो फिर देखिए यहाँ पर ना जो मेरे पास यू भुट्टा था, भुट्टा का बीज जो होता है उसका पॉपकॉर्न मैंने बना दी, और इसका भी लड्डू माँ को आता है बनाने अच्छे से, तो माँ भी इसका भी लड्डू अच्छे से बना देंगे। तो फिर मैं पॉपकॉर्न बना कर देखिए ये सूप में मैं रख दी हूँ थोड़ा ठंडा होने के लिए, क्योंकि अभी गर्म है। और ये सिद्धार्थ सब चीज़ को छूने आता है बार बार, और यही सब कर रहा है। और देखिए फ्रेंड्स, कुछ दिन से फिर से मेरा मतलब वीडियो नहीं बना था, क्योंकि मेरा ना हम कहीं गए थे, एक दिन के लिए गए थे, उसके बाद जो है मेरा आवाज़ बहुत मतलब पेट गया था एकदम, मतलब आवाज़ निकल ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने, और बहुत ज़्यादा खांसी भी हो गया था, तो फिर अभी तो ठीक हूँ, इसीलिए फिर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, एडिटिंग भी कर रही हूँ, नहीं तो मतलब कुछ दिन पहले का ये वीडियो है। और यहाँ पर देखिए पॉपकॉर्न का लड्डू बन गया है, ये नारियल का लड्डू है, इसका तो मैं रिकॉर्ड नहीं की थी, मैं भी कुछ कुछ काम कर रही थी तब तक माँ बना दी थी। और ये चूड़ा का जो लड्डू है वो है, ये ज़्यादा नहीं बना था क्योंकि मेरे पास ज़्यादा चूड़ा जो है नहीं था। और देखिए वो मुड़मुड़े के लड्डू बहुत सारा बना है, तो ये लड्डू देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि मकर संक्रांति बनता ही है सबके घर में, तो हम लोग लेट से ही सही, लेकिन लेट से ही जब माँ आई ना, तो फिर याद करके मैंने सब कुछ बनवाए, और बहुत अच्छा भी लगता है। और आज ना कुछ था, और जैसे फ्रेंड्स मैं अकेले रहती हूँ ना, तो मेरा सुबह सुबह तक नहाना नहीं होता है, लेकिन आज जैसे कि हम लोग का कहीं जाना है, तो इसी वजह से माँ भी आई है, तो फिर मैं सुबह नहाई थी। और नहा कर देखिए मैंने साड़ी भी पहन लिया है, और ये साड़ी जो है ये नया साड़ी ही है, तो फिर ये पहनकर उसके बाद मैं पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि जब आज माँ है ना, तो फिर सिद्धार्थ तो माँ के साथ खेलने में एकदम बिजी है, तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सारे मैं मतलब काम सुबह से कर ली हूँ, और उसके बाद माँ लड्डू वगैरह सब कुछ बना दे रही थी, और मैं भी बैठी थी कुछ कुछ फिर काम भी कर रही थी। और उसके बाद अभी फिर नहा कर मैं पूजा वगैरह करने के बाद खाना भी बनेगा अभी, दोपहर का जो खाना बनता है। और फ्रेंड्स अभी भी मेरा गला ना थोड़ा सा बैठा हुआ ही है, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा आवाज़ एकदम निकल नहीं रहा था, उतना ज़्यादा गला ख़राब हो गया था,
तो फिर धीरे धीरे सही मतलब ठीक हो रहा है। और जैसे कि गर्म पानी वगैरह ही पीते हैं, ठंडा पानी तो नहीं पीते थे, फिर भी ठंडा लग गया मतलब कुछ कारण। और फिर थोड़ा सा ना सिद्धार्थ का भी तबीयत खराब हो गया था, मतलब ज़्यादा नहीं हुई, सर्दी जुकाम वगैरह हो गया था, और मेरा तो एकदम मतलब आवाज़ ही नहीं निकल रहा था। तो फिर इसी वजह से ना मेरा फिर लेट मतलब कुछ दिन के लिए मैं रेस्ट ले रही थी और वीडियो नहीं बनाई थी। और यहाँ पर देखिए मेरा पूजा, मैं पूजा कर लेती हूँ। और अभी जैसे कि माँ इधर है, तो माँ भी नहा ली है, और सिद्धार्थ भी, बस सिद्धार्थ को नहाना बाकी है, तो उसको मैं सोच रही थी जैसे कि थोड़ा सा जैसे मतलब 10:30-11 बजे नहा दूँगी तो सही रहेगा बच्चे के लिए, तब तक धूप निकल जाता है, तो फिर मतलब नहा कर धूप में ले जाती हूँ तो सही रहता है। तो फिर मैं पूजा कर लेती हूँ पहले। और आज ना अभी जैसे कि हम लोग मतलब मैं पूजा करती हूँ, तो बस सिंपल सा पूजा करने के बाद जो जल होता है ना, वो सूरज भगवान को मतलब देती हूँ छत पर जाके, वहाँ पर जगह है। तो बाकी तो यहाँ पर तुलसी मंच वगैरह मतलब तुलसी मंदिर वगैरह नहीं है, और मतलब जिनका घर है उनका शायद होगा नीचे, लेकिन हम लोग रेंट पे रहते हैं तो यहाँ पर नहीं है हमारा। और तो फिर वही छत ऊपर में जो है एक, जहाँ पानी वगैरह हम लोग मतलब जल वगैरह चढ़ाते हैं, बस उसी में पूजा करते हैं। तो फिर वहाँ भी अभी जाएंगे, और मेरा घर का पूजा जो है हो जा मतलब हो गया। उसके बाद अभी बहुत सारा काम भी है फ्रेंड्स, बहुत काम हो जाता है। माँ आई है तो फिर मतलब होता है ना, माँ शुरू बार आई है, पहली बार तो अच्छा तो बहुत लग रहा है, लेकिन चली जाएंगी तो थोड़ा वो लग रहा है, जो माँ को क्या करने बोलूँ। फिर भी तो वो सुबह से कुछ ना कुछ कर ही रही है। और यहाँ पर मैं छत के ऊपर अभी जा रही थी, तो ही माँ से बात कर रही थी, माँ से मतलब माँ कुछ पूछ रही थी तो वहीं मैं बता रही थी। और सिद्धार्थ घर पर ही है, और देखिए फिर सबसे बच्चा आपको डिस्टर्ब ना करे ना, तो आपका सारा काम अपने टाइम से पहले मतलब टाइम से ही हो जाता है। तो फिर इसी तरह करके, और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर सिद्धार्थ भी नहाकर तैयार हो गया है, और ये नहाने के बाद खा रहा है मुड़मुड़े के लड्डू। और ये सिद्धार्थ भी आज नया टी शर्ट ये जो है ये पहना है, और ये टी शर्ट आप सब देख सकते हैं, पुरी में जो जगन्नाथपुरी मंदिर है ना, उसी का मतलब भगवान जी का मूर्ति लगा हुआ है। और उड़ीसा में जो पुरी मंदिर है ना, वो तो बहुत फेमस है, सबको पता ही है। तो वहीं मेरे जीजाजी मतलब सिद्धार्थ के मौसा जी गए थे, तो सिद्धार्थ के लिए ला दिए थे ये टी शर्ट, और प्रसाद ला दिए थे, और कुछ कुछ भी ला दिए थे। तो सिद्धार्थ को अच्छा लग रहा है ये टी शर्ट में। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।